मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर पटाखों को लेकर के एनजीटी ने आदेश दिया है। बेहद खराब वायु प्रदूषण वाले शहरों में पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। सामान्य प्रदूषण वाले शहरों में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी। केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। एनजीटी ने एक याचिका पर सुरक्षित अपना फैसला रखा, वो सुनाया है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की पटाखों को लेकर के केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है, वो भी वहां पर जहां पर कम प्रदूषण वाले शहर हैं। तो आपको बता दें बड़ी जानकारी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा गया था कि आखिरकार जो पटाखे हैं उनको बनाने वाली फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है। केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी और अभी जो खबर मिल रही है एनजीटी की तरफ से भी ये फैसला सुनाया गया। केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है, वो भी वहां पर जहां पर प्रदूषण कम है, जिन शहरों में वहां पर ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जबलपुर से बड़ी खबर है। पटाखों को लेकर के एनजीटी ने एक बड़ा आदेश यहां पर दिया है। एनजीटी की तरफ से बेहद खराब वायु प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सामान्य प्रदूषण वाले शहरों में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। केवल 2 घंटे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है। जहां पर भी सामान्य प्रदूषण है उन शहरों में भी मात्र 2 घंटे की अनुमति होगी, जहां सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। लेकिन प्रदूषण वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है एनजीटी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही ये भी कहा था कि आखिरकार जो सामान्य पटाखे हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं उनकी फैक्ट्रियों को बंद किया जाना चाहिए। ये जबलपुर से जानकारी सामने आ रही है। बेहद खराब वायु प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है एनजीटी की तरफ से, और सामान्य प्रदूषण वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे, वो भी मात्र 2 घंटे। 2 घंटे ही छूट दी गई है ग्रीन पटाखे चलाने की, बाकी पटाखों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, ये एनजीटी की तरफ से कहा गया है। सामान्य प्रदूषण वाले शहरों में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। तो आपको बता दें कि 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं, वो भी उन शहरों में जहां पर सामान्य प्रदूषण का स्तर है। बाकी जगहों पर किसी भी तरह के पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे, खासतौर पर जहां पर ज्यादा प्रदूषण वाले इलाके हैं उनमें हर तरह के पटाखों पर एनजीटी का प्रतिबंध है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति भी मात्र 2 घंटे की मिलेगी। दिवाली वाले दिन उसी वक्त में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं, वो भी वहां पर जहां पर प्रदूषण का स्तर सामान्य है, कम है। एनजीटी की तरफ से ये बड़ा आदेश है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई थी केंद्र और राज्य सरकारों को और ये कहा था कि आखिरकार पटाखों की फैक्ट्रियां प्रतिबंधित क्यों नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो प्रदूषण वाले पटाखे हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। अपने आदेश को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, कहा कि हमने सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। और अब एनजीटी का आदेश जहां पर यह कहा गया कि जहां सामान्य प्रदूषण वाले शहर है वहीं पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी, बाकी तमाम जगहों पर पटाखों पर रोक रहेगी हर तरह के पटाखों पर। साथ ही यह भी कहा गया कि केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनका रुख करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर से हमारे साथ मनोज चौबे जुड़ रहे हैं, कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजेश विश्वकर्मा भी हमारे साथ हैं जबलपुर से। तो सबसे पहले हम भोपाल का रुख करेंगे और ये जानने की कोशिश कि आखिरकार कितना इस आदेश का प्रभावी पालन करवाया जा सकेगा। कुलभूषण, क्या कुछ जानकारी एनजीटी की ओर से आदेश दिया गया? उससे पहले हमने सुबह सुना सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया पटाखों को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के। बिल्कुल
बिल्कुल, प्रति वर्ष जो है दिवाली के पावन पर्व पर इस तरह के आदेश देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वायु में प्रदूषण होता है पटाखों को फोड़ने के बाद, और अक्सर ये देखा जाता है कि जो मेट्रो सिटीज हैं बेंगलोर, ग्वालियर, बेंगलोर, दिल्ली, इसके साथ ही मुंबई, तो यहाँ पे सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है और ऐसी स्थिति में लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत और तकलीफ होती है। अब जिस प्रकार से एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी और पटाखे नहीं फोड़ने को लेकर जो है ये याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद एनजीटी ने यह आदेश दिया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर में सिर्फ आधे घंटे की ही परमिशन दी गई है। इसके साथ ही जहाँ पे सामान्य स्थिति रहेगी वहां पे 2 घंटे ही आप आतिशबाजी कर सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन हर वर्ष ये देखा जाता है कि जो नियम है उसका पालन यहाँ पे नहीं किया जाता है और दीपावली के दिन रात 8 बजे से ही जो है जो आतिशबाजियां शुरू होती हैं वो देर रात तक चलती हुई नजर आती हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने यह भी कहा है कि ग्रीन पटाखे फोड़े जिससे प्रदूषण कम होता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा तो लोग कितने नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिलहाल पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो किसी प्रकार के कोई भी नियम का पालन नहीं किया गया था, लेकिन सबसे अधिक इसका असर जो है मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में जब पटाखे और आतिशबाजियां शुरू होती हैं तो सबसे अधिक उन बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में प्रदूषण देखा जा सकता है। हालांकि ये स्थिति राजधानी भोपाल में भी बनती हुई नजर आती है, लेकिन अब जो सामान्य स्थिति है, अगर भोपाल में सामान्य स्थिति रहेगी तो 2 घंटे आतिशबाजी की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के कई ऐसे जो बड़े शहर है, जबलपुर की बात की जाए, ग्वालियर की बात की जाए, सागर संभाग की बात की जाए, तो इन शहरों में जो है एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन 2-2 घंटे की अनुमति दे सकता है, लेकिन छोटे शहर जहां पे ग्रीन बेल्ट है तो वहां पे अनुमति कई शहरों में दी भी जा सकती, कई शहरों में नहीं दी जाएगी। बिल्कुल कुलभूषण, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। मनोज चौबे हमारे साथ हैं ग्वालियर से। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास, और ग्वालियर में किस तरह की स्थितियां प्रदूषण को लेकर के और एनजीटी के आदेशों का क्या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए एनजीटी का आदेश जारी हुआ है तो वहीं कोर्ट ने ये आदेश को आज आदेश करके शासन प्रशासन को आदेश किया है, लेकिन अब देखना होगा जो जिस तरह से दीपावली का माहौल है, लोगों का जो साल भर का ये दीपावली का त्योहार है, बड़े हर्षोल्लास से त्योहार को मनाने जा रहे हैं। वहीं बात करें तो नगरवासी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी राय जान लेते हैं आखिरकार किस तरह। जी, एनजीटी का आदेश हुआ दीपावली जैसे त्योहार पर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, एनजीटी ने शुरू में पहले भी कई बार आदेश किए हैं, निश्चित रूप से यहाँ के जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। दीपावली के त्योहार है, पटाखों की दुकानें लगती हैं, प्रदूषण होता है जिसको लेकर तमाम लोगों को परेशानियां, बीमारियों से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से जो आदेश दिया है उसको लेकर जिला प्रशासन को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। वही बात की जाए तो जिस तरह से अन्य उत्सव मनाए जाते हैं, रीति रिवाज तो हिंदू उत्सव मनाया जाता है तो हिंदुओं के कष्ट होता है, दुख होता है, वो भी सीधा जाहिर करते हैं। निश्चित रूप से वार्षिक त्योहार होता है, साल में एक बार आता है, लोग भी बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन उन चीजों का भी ध्यान रखना होगा जिनसे लोगों को परेशानी ना हो, और जिला प्रशासन लोगों को निर्देश दे और जागरूकता भी लाए कि त्योहार भी मनाएं और अपनी सुरक्षा भी रखें। बिल्कुल मनोज, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, सवाल यही है कि क्या सख्ती से प्रशासन इसको लागू करवा पाएगा या हमेशा की तरह इसी तरह से धज्जियां उड़ती दिखाई देंगी? सबसे अहम राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ हैं, राजेश, और साथ ही साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी हैं राजेश। जबलपुर में राजेश, अगर हम बात करें एनजीटी के आदेशों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपनी सुनवाई में इसको लेकर के कह चुका है कि तमाम फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए जो प्रदूषण वाले पटाखे बनाती हैं, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब जब एनजीटी ने इस तरह का आदेश दिया है तो कैसा प्रभाव वहां पर जबलपुर में देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि भारी परेशानी जो बात की है जाए वो तो जिला प्रशासन को दीपावली त्योहार लंबी है, कवायद उसे करनी मनाने पड़ेगी के लिए क्योंकि लोग जो पटाखे तैयारी कर बिक्री चुके पटाखा हैं। अब व्यापारी देखना हैं होगा वो कर चुके हैं, और कोर्ट की एनजीटी जो का अपील पिछले है उसको साल तब तक भी मानते हैं। दीपावली के 2 दिन पहले आदेश आया था, बड़ा आदेश था, और इस बार भी जो याचिका लगी थी इसी बात को हवाला देते हुए लगी थी कि पिछले बार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था जिन शहरों में खराब था वहां पर जो है वो इस बार फिर पटाखों पर प्रतिबंध लगाए, बड़ा आदेश एनजीटी ने दिया है। और इस बार की जबलपुर में भारी लंबी कवायद जो है वो जिला प्रशासन को करनी पड़ेगी क्योंकि पटाखा व्यापारी पटाखों की खरीदारी कर चुके हैं, लोगों को भी अब जब जागरूक करना बेहद मुश्किल है। हालांकि जिस तरीके से जो पटाखा व्यापारी हैं उन्होंने पहले ही चूंकि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं और अब पटाखे जो है वो ग्रीन पटाखे बाजारों में मिलते हैं, जो थोक व्यापारी हैं वो भी ग्रीन पटाखे बाजारों में भेजते हैं, तो ये जरूर है कि पटाखा व्यापारी भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जागरूक थे लेकिन असमंजस में थे। पिछले 3 दिनों से अगर बात की जाए जिस तरीके से एनजीटी का आदेश होल्ड हुआ था, सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज जब आदेश आ गया है तो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस पूरे आदेश में जो जिला प्रशासन है उसे ये पावर दिए गए हैं कि अगर उन्हें शिकायत मिलती है फटाखे फोड़े जाने की किसी प्रकार के उल्लंघन की तो वो खुद मौके पे जाए या फिर उसकी मॉनिटरिंग करें। बिल्कुल, ये देखना होगा राजेश कि आखिरकार प्रशासन इसको किस तरीके से लागू करवा पाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मनोज, आपका